पायलट सहित राजस्थान में कांग्रेस के बागी विधायकों पर कार्यवाही की खबर के बाद पायलट के करीबी सूत्रों का दावा है पार्टी ने उन पर एक तरफा कार्यवाही की। जहां एक तरफ राजस्थान के सियासी उठापटक के खेल में सबकी नजरें सचिन पायलट और गांधी परिवार पर आकर रुक गई है, हर कोई अब ये जांचने में लगा है, ये परखने में लगा है कि पायलट को मनाने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या करते हैं, कुछ करते भी हैं, या सचिन पायलट जैसा नेता कांग्रेस से अलग हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों के बीच में इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कोशिश कर रही हैं सचिन पायलट को मनाने की। हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से सचिन पायलट के इस्तीफे को रोकने पर क्या कदम उठाए गए हैं, सचिन को क्या ऑफर दिए गए हैं। इन्हीं सब को लेकर कुछ बेहद अहम जानकारियां सामने आई हैं। पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा कांग्रेस की कार्यवाही एक तरफा है। सचिन पायलट ने अपनी समस्या पार्टी के सामने रखी लेकिन समाधान के बजाय पार्टी ने सचिन पर कार्यवाही कर दी। हमने प्रियंका गांधी को अपना पूरा पक्ष बता दिया लेकिन किसी समाधान की जगह पार्टी ने कार्यवाही की। हमें अभी अयोग्य ठहराने का नोटिस मिला नहीं है, आगे क्या कदम उठाना है ये अभी तय नहीं है। आपको बता दें सचिन पायलट उन्हें लेकर खबर आई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के लगातार समर्थन में है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ सचिन के तार नहीं जुड़ेंगे। अब इन सबके बीच में बहुत अहम है प्रियंका गांधी वाड्रा की कोशिश। जहां एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता बड़ी उम्मीदों के साथ पार्टी के हाईकमान को देख रहे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी की तरफ देख रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद ये दोनों खुले तौर पर राजस्थान के सियासी बवाल में हस्तक्षेप करेंगे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, पायलट को पार्टी से अलग होने से रोकेंगे। वहीं जानकारी आ रही है साल 2018 से लेकर अब तक प्रियंका गांधी गहलोत और पायलट को समझाने का काम करती आई हैं और इस बार भी ये काम वही कर रही हैं। जी हाँ, साल 2018 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की जीत हुई, अशोक गहलोत और सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए, उस वक्त भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिचौलिया का काम किया था, उस वक्त भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिगड़ी हुई बात संभाली थी। और अब जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आपको बता दें लगातार सचिन पायलट प्रियंका गांधी वाड्रा के संपर्क में है। इतना ही नहीं, जो पोस्टर हटाए गए थे जयपुर में कांग्रेस दफ्तर से सचिन पायलट के, वो पोस्टर प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर ही दोबारा लगाए गए। प्रदेश में सियासी घमासान के बीच अब कमान प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने हाथों में ले ली है। सियासी ड्रामे को सुलझाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई है और अब प्रियंका अपने तरीके से बात को संभाल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा का सारा ध्यान सचिन पायलट का इस्तीफा ना हो, उसे रोका जाए, पायलट जैसे प्रतिभाशाली नेता को कांग्रेस से अलग होने से रोका जाए, इसी पर केंद्रित है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।